गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन वीडियो था और आज कुछ स्पेशल था क्योंकि आज मेरे सोसाइटी में पार्टी थी तो उसके लिए मुझे जल्दी जाना था। तो आज जल्दी भी सारे घर के सारे काम मुझे ख़त्म करने थे तो सुबह ही मैं लग गई थी। हस्बैंड को ऑफिस भेजा, बेटे को स्कूल भेजा, उसके बाद मैं सबसे पहले काम करती हूँ जो वो है हॉल को सेट करना, क्योंकि हॉल शाम में हम लोग पूरा टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं और प्रियांश अपने लगभग सारे टॉयज निकाल के एक बार खेल लेता है और उसके बाद ही सोने जाता है। तो हॉल की पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है और हॉल में मैंने यहाँ पे बेड लगाया होगा क्योंकि ताकि हम लोग को बहुत कंफर्टेबल लगे और हम लोग शाम का पूरा टाइम यहीं पे स्पेंड करते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है यहाँ पे बेड लगाना। आराम से लेट के हम लोग अपना बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हॉल में सोफ़ा नहीं लगाया है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल लगता है और मैं इसे काफ़ी सेट करके भी रखती हूँ तो अच्छा लगता है। तो मैंने सबसे पहले हॉल ही सेट किया, उसके बाद मैं लग गई किचन क्लीन करने में क्योंकि मैंने सुबह सुबह जल्दी से उन लोग को ब्रेकफास्ट बना के दिया था तो किचन थोड़ा बहुत तो मेस हो ही जाता है। मैं रात में ऐसे करके सोती हूँ लेकिन फिर भी सुबह में बनाने के बाद बेटे के लिए अलग लंच बॉक्स, हस्बैंड के लिए अलग लंच बॉक्स, तो थोड़ा किचन तो गंदा हो ही जाता है और बर्तन भी थोड़े गंदे हो जाते हैं। और मुझे आज थोड़ा स्पेशल कुछ बनाना भी था तो मुझे सबसे पहले लगता है कि अगर किचन साफ़ रहे तो खाना बनाने का मज़ा अलग आता है। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं किचन ही साफ़ कर लेती हूँ, इससे क्या होगा मेरा काम करने में भी मन लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी बचेगा, दोनों काम मैं एक साथ कर सकूंगी कि किचन की क्लीनिंग भी साथ में हो रही है और कुकिंग भी साथ में हो रही है। तो आज मेरे सोसाइटी में एक बर्थडे पार्टी था जिसमें हम मुझे जाना था, तो ऐसा प्रोग्राम था कि सब जितने भी जने हैं, जितने भी लोग आने वाले हैं, अपने घर से कुछ ना कुछ बना के आएंगे। इससे क्या होगा, वेराइटी हो जाएगी और पार्टी की पार्टी हो जाएगी और हाइजीन भी मेनटेन होगा। तो हम लोग सबसे पहले मैंने देखा बर्तन सारे निकाल दिए जितने भी धोने के थे, उसके बाद मैं बैठ गई चाय के, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पिया था और सारे काम कर रही थी मैं कंटिन्यूअस। तो मैंने बैठ गई, मेरा एज यूजुअल जो मेरा फेवरेट टाइम होता है मैं बाहर के नज़ारे को देखते हुए चाय पीना, तो आज मैं बाहर के नज़ारे देख के चाय पी रही थी तभी मुझे अचानक यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दिख गया। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ पे झगड़ा हो रहा था और चाय के साथ इसका मज़ा मुझे बहुत आ रहा था। पता नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी का झगड़ा हो रहा था, लेकिन घर से देखने का इसे अच्छा लग रहा था। क्यों, कुछ खास ज़्यादा तेज़ एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बस स्कूटी गिर गई थी। तो आज मैं बना रही थी यहाँ पे चाट, नॉर्मल बेसिक चाट था, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना था। जैसे मेरे ये जीरा भुना हुआ वाला मसाला मैं हमेशा प्रिपेयर करके रखती हूँ, वो भी ख़त्म हो गया था तो उसको भी मुझे प्रिपेयर करना था। तो इसके लिए मैंने सूखे जीरे को और मिर्ची को और थोड़ा सा इसमें मैं धनिया डालती हूँ, खड़ा धनिया, तो उस सबको मैं थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। तो इन सबको फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया था और इन्हें फ्राई करने के बाद, ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का फ्राई करने के बाद इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो मैंने उन्हें ठंडा होने का छोड़ दिया, तब तक मेरे पास थोड़ा सा और टाइम था तो मैंने फटाफट झाड़ू घर में लगा लिया क्योंकि सुबह झाड़ू भी नहीं लगाया था, टाइम ही नहीं था मेरे पास बिल्कुल। सुबह उठती हूँ तो लंच बॉक्स में बिल्कुल बिजी हो जाती हूँ, तो एक साथ मैंने पोछा आज नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कल भी किया था, तो आज थोड़ा मैनेजेबल है क्योंकि बाकी सब बहुत सारा काम है। तो अच्छे से बस मैं सोचा कि झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा मैं फिर से कल लगा दूँगी जब कल मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ये मैंने फटाफट से झाड़ू भी लगा दिया और साथ साथ मैं अपने घर में भी बात करते रहती हूँ। इससे क्या होता है कि काम करने का अलग ही अच्छा लगता है कि पता नहीं चलता, काम भी हो जाते हैं और बात की बात भी हो जाती है। तो मैं सब मसाले जो थे जिसको मैंने फ्राई किया था वो बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, अब इसको मैंने पीसना था। तो एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रखना है। इससे क्या होता है, जब खड़े मसाले, ये जो भुने हुए मसाले का जो फ्लेवर आता है बहुत अच्छा आता है, इसे दही बड़े में, रायते में, ये सब में मैं यूज़ करती हूँ और बहुत सारी चटनियों को बनाने में भी यूज़ करती हूँ। ये मल्टीपर्पज़ मसाला होता है तो अक्सर मैं ये बना के हमेशा रखती हूँ क्योंकि मुझे रायता बहुत पसंद है, या खीरा का रायता हो, बूंदी का रायता हो, या कद्दू का रायता हो, मुझे रायता बहुत पसंद है तो इसलिए ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं इसे बना के ही रखती हूँ। तो आज मैं बना रही थी चाट, तो उसके लिए मुझे बनाने
रहे थे छोले, तो छोले के लिए सबसे हेडेक वाला काम मुझे अगर किचन में कुछ लगता है तो ये प्याज़ों को कट करना लगता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर मेरे कुकिंग के लिए अगर कोई प्याज कट कर देता है, तो इससे बड़ा हेल्प मेरे लिए कुछ नहीं होता है। और अगर कोई प्याज नहीं कट करके बोलता है कि मैं खाना बना दूंगा तुम प्याज कट कर दो, तो मुझे लगता है कि नहीं ये ज़्यादा हार्ड काम हो जाता है। तो मैं आज बिल्कुल प्लेन छोला बना रही थी क्योंकि साथ में चाट था, तो उसमें ज़्यादा मसाला वाला छोले का ज़रूरत नहीं होता है। तो मैंने कुछ खड़े मसाले डाले, तेल डाला और तेज पत्ता डाला, उसके बाद कुछ हरी मिर्ची डाली। जब मुझे ज़्यादा तीखा नहीं बनाना था क्योंकि प्रियांश भी खाने वाला था, वो ज़्यादा तीखा नहीं खा पाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ तीन लगभग मीडियम साइज़ के प्याज को कट किया था, बारीक कट किया था, उसको मैंने ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद सॉल्ट डाला ताकि ये प्याज जो है जल्दी से गल जाए और ब्राउन हो जाए। तो इसे हमें डार्क ब्राउन नहीं करना था, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना था, क्योंकि इसे हम प्रेशर लगाएंगे तो छोले पक जाएंगे। और ये था छोले, मैंने इन्हें रात में ही भिगो दिया था ताकि सुबह बिल्कुल रेडी हो जाए। और फिर इसके बाद मैंने ऐड किया भुने हुए प्याज में टर्मरिक पाउडर और अपना होममेड प्रीपेड मसाला। इससे क्या होता है, मेरा काम बहुत ईजी पड़ जाता है, मसाले को फूलने देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, फूले हुए मसाले रहते हैं। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल पाउडर से जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद मैंने डाला इसमें टमाटो प्यूरी। इससे क्या, टमाटो प्यूरी से क्या होता है, कलर बड़ा सुंदर आता है, वो जो रेडिश रेडिश कलर होता है। मैं कभी भी रेड मिर्ची पाउडर यूज़ नहीं करती, तो उसको कलर देने के लिए मैं यहाँ टमाटो प्यूरी ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने छोले को डायरेक्ट ऐड किया, जो भींगे हुए छोले थे मैंने इसे अलग से बॉयल नहीं किया था, ये मसालों के साथ ही बॉयल हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो टास्क जो होता है बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे पहले आप छोले को उबालो, फिर से मसालों के साथ फ्राई करो, फिर से उन्हें प्रेशर लगाओ, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो जब तक छोले भुन रहे थे तो मेरे पास टाइम था, तो मैं साइड साइड में बर्तन मैंने सोचा कि मैं क्लीन कर देती हूँ। और इससे क्या होगा कि मेरा अचानक से काम ख़त्म हो जाएगा, इधर कुकिंग भी डन हो जाएगा और क्लीनिंग भी डन हो जाएगा, तो दोनों काम साथ में लेके चलना एक अलग ही कला है। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं बहुत ही एक्सपर्ट हो गई हूँ ये सब में घर के कामों में। तो अच्छा लगता है कि एक साथ मैं कितने काम कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ, ये सब देख करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। पार्टी की जो टाइमिंग थी 12:30 बजे थी, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मुझे प्रियांश को भी स्कूल से लेके आना था, तो मैंने फटाफट जल्दी से छोले ही बना दिए, उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था। और लंच के लिए मैं थोड़ा सा चावल बना लूँगी, उससे क्या होगा हम लोग तो मैं तो ऊपर खा लूँगी, लेकिन प्रियांश ऐसे गैदरिंग में पूरा ठीक से खा नहीं पाता है, तो उसको मैं घर में आके छोले चावल खिला दूँगी। और साथ में मैंने बनाए थे यहाँ पे इमली की मीठी वाली चटनी, तो यहाँ पे मैं इमली का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। मैं जनरली पेस्ट ही रखती हूँ क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने उसमें डाला 4 गुड़ और थोड़ा सा शुगर, और इधर मैंने साथ साथ में प्लेटिंग की भी तैयारी कर दी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा, 12 बजे से ही पार्टी थी और 12 बजे मुझे प्रियांश को लेके आना था स्कूल से, और उसको लाने के बाद फिर मुझे अलग से काम करना पड़ता है, उसको रेडी करना, उसको नहलाना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं साथ साथ तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज के लच्छे वाले प्याज बनाए थे जो चाट के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, तो उन्हें भी कट कर लिया था। उसके साथ मैंने स्प्राउट्स रखा था थोड़ा सा, और उसके बाद उसको मैंने और भी कुछ सलाद ऐड किया था लास्ट में। तो प्लेटिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी, अब मुझे थोड़ा सा कर्ड मैंने मिक्स कर दिया, हल्का सा पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी जो थी उसको इतना फ्लोटिंग में बना दिया था ताकि उसको चाट में लेने में इजी पड़ सके। तो अब टाइम हो गया था प्रियांश को स्कूल से लाने का, तो मैंने फटाफट बाथ लिया, उसके बाद मैंने रेडी हो गई। तो मैंने पूरी रेडी नहीं हुई थी, मैंने सोचा पार्टी के लिए मैं आके रेडी होंगी, अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा पहले प्रियांश को लाना है, उसके नहाना है, फ्रेश करना है, तो उसमें मेरा धजियाँ उड़ जाएगा, इसलिए मैं पूरा रेडी नहीं हुई थी। हल्का फुल्का जो भी प्रियांश को स्कूल लाने के लिए जितना मैं करती हूँ उतना ही किया था, और अभी मुझे पूजा भी करना बाकी था। तो अब मैंने फटाफट, अभी सावन चल रहा है, तो मैंने फटाफट फूल तोड़े और पूजा के लिए मैंने पूजा कर लिया। उसके बाद मैंने छोलों की हालत देखी, छोले भी पक चुके थे, मुझे पहले लगा कि ये पके नहीं है, लेकिन मैंने जब टच करके देखा तो ये पक चुके थे, बहुत अच्छे पके थे। तो ये टास्क ऑलमोस्ट डन हो गया था, और इसे मैंने सिर्फ गरम मसाला ऐड करना था। छोले का कलर देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, और उसके बाद मैंने लास्ट में इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। इससे क्या होता है, फ्लेवर काफ़ी इनहेंस हो जाता है। तो एक बार ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत ही कम समय में और जल्दी बन जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।